सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित भट्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल पे जिसका नाम है एबी स्टार यार। कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दिखा दीजिए अपना प्यार, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त एबी स्टार यार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे बात करूंगा WWE के उस सुपरस्टार की जिनको निकाल दिया गया है WWE से, इंजो मोरे के बारे में। जी हाँ, इंजो मोरे पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किया गया है रेप, और जो ये लड़की है इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया गया है। तो इन्होंने ये आरोप लगाया है और इंस्टाग्राम पे इन्होंने पोस्ट भी किया है कि मुझे बताते हुए बहुत डर लग रहा है कि इंजो मोरे, जिनको नाम एरिक एडन के नाम से भी जानते हैं लोग, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनके साथ मिड अक्टूबर में इनके साथ रेप किया 2017 में। वो कुछ इतना भयानक था कि उनको 45 दिन मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इन पे केस किया, इंजो मोरे पे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब लैब टेस्ट पे रिपोर्ट आनी बाकी है, तो उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि ये बात सच है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए WWE ने भी कंफर्म कर दिया है कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, सेक्सुअल हरेसमेंट और इन रेप जैसी चीज़ों को। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, इंजो मोरे हमारे तरफ से सस्पेंडेड रहेंगे WWE से। तो दोस्तों, ये खबर निकल के आई है ब्रेकिंग न्यूज़ WWE से, और इंजो मोरे भी अपने बारे में ये कहते हैं कि लोग सिर्फ कही हुई बातों पे आ जाते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, ये लैब टेस्ट आएंगे, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि बात सच है नहीं है। फिलहाल के लिए खबर यही है कि इंजो मोरे अब WWE में फ़िलहाल नहीं है, उनको निकाल दिया गया है टेम्प्रेरी बेसिस पे। कुछ लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।